Harihi Om. Swasti na Indro Vridasravaha, Swasti na Pooha Vishuvedaha, Swasti na Archo Arishtanemi, Swasti no Vrihaspatir Dadatu Om. Om Sadayati Sindhuravadana Devayad Pada Pankajasmaranam Basarmanirivam Tam Samrasim Naseti Vignanam Suklambaram dharam Vishnu sasivaranam chatrubhujam prasannavadanam dhyayat sarvigno pasantaye chatrubhadano brahma divahur parohari abhalochan sambhur bhagavan badrayana om savabhyo namaha savapatibhyo namaha I came from all the way from Himalaya Lord Pashupatinath to attend this conference from Nepal. First, I should give thanks to Mr. Kejriwal and all the organizer of this conference. I am as a Samhitashastri. In the Samhita parts in the Veda, it is written in the 64 Samhita. All the Samhita, all Ved mantras call a Samhita, and this Samhita Shastra is very, very deep and deep in the Vedic knowledge. It's so that I will explain you in the so many people. I think they understand Hindi, so that I start my talk in Hindi. Why? I am not so fluent in the English, so that I try to talk in Hindi. But Hindi also I am my not mother tongue. But I am a student of VHU, so that I speak Hindi. So, I wanted to say that the Samhita Shastra is a very big mahatva. वेदों के बारे में है और हर शास्त्र के बारे में है. जैसे कि ज्योतिष की 18 संहिताएं हैं, आयुर्वेद की 6 संहिताएं हैं, और इसी तरह से पशु चिकित्सा के लिए शालिहोत्र में 2 संहिताएं हैं, कृषि के लिए 10 संहिताएं हैं. तो ये सब संहिता शास्त्र जो हैं 64 संहिताओं में से आज के युग में जो कृषि की जो 10 संहिताएं थी जो अभी अप्राप्य हैं उसमें से भी काफ़ी कुछ हम लोग ले सकते हैं. जैसे कि आयुर्वेद का जो आपका ये अश्विनी कुमार संहिता है वो प्राप्य नहीं है, लेकिन उसका एक पार्ट जो है भैषज रत्नावली प्राप्त है. इसी तरह से वेद में भी आज जो मैं विषय आप लोगों को जब बाद में बताऊंगा कि सूर्य कैसे जलता है, सोमेनादित्यो वल्न ऋग्वेद का एक सूत्र है. सूत्र का मतलब होता है फॉर्मूला. ये फॉर्मूला को कैसे लेना है, कैसे करना है, क्योंकि आदि शंकराचार्य ने भी अपने उसमें लिख के गए हैं मठामना उपनिषद में. अगर किसी शंकराचार्य को मठाधीश पीठाधीश शंकराचार्य को वेद के किसी सूत्र की व्याख्या चाहिए तो संहिता शास्त्री के पास जा करके उसकी व्याख्या कराए. इसलिए हम लोग वो आधिकारिक व्यक्ति हैं कि वेद के सूत्रों की व्याख्या करते हैं. तो मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेके बाद में आपको ये बताऊंगा जब ये हमारे केजरीवाल साहब टाइम देंगे तो सूर्य कैसे जलता, सोमेनादित्यो वल्न ऋग्वेद का सूत्र क्या है, चंद्रमा क्या है. चंद्रमा जो हम देखते हैं अपने आँखों से वो एक बिंब है, चंद्र बिंब है. जो मूल चंद्रमा है वो अबव द यूनिवर्स ब्रह्मांड के ऊपर है, और उसी से सारा वो शक्ति के 3 केंद्र हैं. वेद जो मानता है, आज का आधुनिक विज्ञान भी उस चीज़ को मानता है, शक्ति के 3 स्रोत हैं, सूर्य अग्नि और चंद्रमा, तीनों स्रोत हैं. उसमें चंद्रमा मूल कारक तत्व है शक्ति के लिए. किसी भी शक्ति को एनर्जी, जिसको हम शक्ति बोलते हैं एनर्जी, वो सिर्फ 3 चीज़ से प्राप्त होती है, चंद्रमा से, सूर्य से और अग्नि से. ये 3 ही कारक तत्व हैं. इसके बारे में मैं अपना जो वो दृष्टांत पेपर है मैं ये अपने केजरीवाल साहब को दे रहा हूँ.
ये जब बाद में इसको डिस्कशन के लिए लाएंगे तो हम इसकी व्याख्या करके आप लोगों को बताएंगे। इसको मैं अभी उनको हैंडओवर करता हूँ। तो मेरा इतना ही कहना है। और अंत में मैं 2020 में आप सब लोगों को वेब का एक कार्यक्रम नेपाल में रख के सबको नेपाल में स्वागत करना चाहता हूँ। सब लोग नेपाल आएँ और हिमालय की गोद में बैठें और भगवान पशुपतिनाथ का दर्शन करें और वेद, जो वेद व्यास की जन्मभूमि नेपाल है, वहाँ पर वेद के बारे में चर्चा करें। और जहाँ पर व्यास ने जिस गुफा में बैठ करके वेद और ये महाभारत और भागवत को लिखा था, उस गुफा का भी दर्शन करें। और ये सब चीज़ें हम व्यवस्था करेंगे और हम सबको 2020 में 2020 में नेपाल में आमंत्रण कर रहे हैं। और इसके लिए मैं नेपाल सरकार से भी थोड़ी बातचीत किया हूँ। बाकी जब यहाँ से आप लोग से बोर्ड से बैठ के बातचीत हो जाएगी तो डिटेल प्रोग्राम आप लोग के पास आ जाएगा 2020 के लिए। इतने बोलते हुए मैं सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।